Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो welcome back तो महीने कर दिया होगा, but मैं intro इसलिए आप दोबारा दे रही हूँ क्योंकि उस time मैं खाना खा रही थी, मसरूफ थी थोड़ी. तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इधर बैठे हुए ये ड्रेसिंग टेबल, हाँ ड्रेसिंग टेबल सेट करना है और ये हम बैठे हुए हैं. अभी हम ड्रेसिंग टेबल सेट करते हैं, सारी ज्वेलरी सेट करते हैं और आप सबको दिखाते हैं. और आप सबको मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये देखे इज्जत हो रही है गाइस, इज्जत माँ की खिदमत कर रही है, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत ये होती है. देखो गाइस ये देखे, जूतियाँ भी यही खाती है और पहनती भी पहनाती भी यही है, तो फिर वैसा ही होता है ना माँ की. क्या करूँ, चलो दूसरा पैर भी ये देखो क्योंकि मुझे सॉक्स पहनने हैं. महीन इधर भी चल, हाँ बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, माँ की तरह नहीं होती तो माँ दुआएं देती है ना, तो बड़ी बहन नहीं दे सकती. सोफिया तुम जाओ अपने घर, अब तुम पहनो, तुम थोड़ी देर बंद करो ताकि मैं सॉक्स पहन के वीडियो बना सकूं. नहीं तुम्हें लगता है तुमने सॉक्स पहनने हैं, तुम जल्दी से पहन लो सॉक्स. पसीना आता है उसके पैरों में, वो देखो तो बाद में आपसे मिलते हैं. तो गाइज ये मम्मा ने मुझे सैनिटाइजर निकाल के दिया और बोला है कि तू अपने बैग में रख, तू स्कूल जाती है तो बच्चों से और सबसे इन्फेक्शन ना हो जाए. तो मैं ये अपने अई माँ ये मैं सबर अपने बट अच्छा चल पहले निकाल ले गाइज, निकाल ले तो फिर बताऊंगी. तो ये देखे माहीन ने मेरे बैग को पूरा उल्टा कर दिया है और उसमें से ये कुछ ये नोट निकले और कुछ ये चीजें निकले, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पास पेंसिलें मार्कर रेजर और यही चीजें होंगी. वो टॉप्स जब हम उधर गए थे फंक्शन पे तब के ही पड़े हुए हैं. तो अब ये सारे इंसानों के हाँ हाँ क्रिसमस के, चलो सारी चीजें तरीके से मेरे बैग में डाल लिए और इधर का मत बंद करें. तो ये मैं अपने पैसे भी बैग में डालती हूँ और ये सैनिटाइजर भी बैग में डालती हूँ. तो जिप बंद करते हैं. तो ये देखेंगे जिप बंद कर दी और एक दिन मैं आपको बताऊंगी एक व्लॉग होगा कि हाउ इज इन माय बैग, मेरे बैग में क्या क्या होता है. ठीक है तो अभी तो चलते हैं, वो जो उधर वो कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं वो बताते हैं. ये माहीन अभी ज्वेलरी सेट कर रही थी तो जो जो करती रहेगी मैं आपको दिखाऊंगी. ये माहीन फिर से शुरू हो गई है अपनी चीजों में. ये माहीन ये आप अलग अलग चीजें करके क्यों रख रही हो? इसमें मैंने इधर देखो ना, इधर देखो इसमें मैंने अपनी सारी रिंग्स रखी है, इसमें सारी पिने रखी है प्यारी प्यारी और वो सोने की चूड़ियां किसकी है और मामा की, और इसमें हमने सारी जूड़े की पिने और सब वो हेयर एक्सेसरीज रखी है और अभी मैं आपको और भी चीज दिखाती हूँ. ठीक है तो स्टे ट्यून, तो दिखाओ तो सही कौन कौन सी अंगूठी है इसमें. गाइस थोड़ा सा वेट करें, मम्मा बर्तन धोने जाती है फिर मैं आपको इधर आके सब अंदर की जब तक लाइट ऑफ कर. गाइस तो गाइस आप सब हमें फॉलो नहीं कर रहे थे, मुझे इतने सारे वो आए हुए थे इंस्टाग्राम पे कि आप एक Q&A बनाए. Q&A मैं जब बनाऊंगी Q&A जब आप मेरे 100 सब्सक्राइबर कर देंगे, 100 भी नहीं 200 सब्सक्राइबर करेंगे, देन मैं सोचूंगी कि यार Q&A वीडियो बनाते हैं. गाइस इधर कर सुंदरी, मम्मा का नाम है बेबी, दिखा देनी बेबी धीम धीम. ये बेबी का फेस तब रिवील होगा जब 1K सब्सक्राइबर होंगे है ना मामा, अब अपना फेस तब रिवील करोगी ना कि जब 1K सब्सक्राइबर होंगे. हाँ उसने कहा हाँ, चलो आओ इधर आओ ना, इधर आओ तो चलते हैं अभी माहीन के साथ. और मैंने कहा था मैं जल्दी 200 सब्सक्राइबर कर दे, तो ये माहीन की डब्बियां उठाते हैं. एक ये है गाइस मेरा फोन सेट, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, ये भी डिब्बी लेके जाते हैं. आओ ना गाइस तुम खाने, गाइस हमारी ड्रॉज में क्या, रुको रुको कुत्ते. गाइस चलते चलते शामी की, शामी का घुटना टेढ़ा हो गया और शामी के आंसू निकले जा रहे हैं. कितनी गंदी लग रही है,
कैमरे में आई कर दो, नहीं है दिखाए, चलते चलते बेचारी का घुटना गाइस मेरा बाजू लग के इसके ना घुटना जो है ना टेढ़ा हो गया, ये देखे ये बात इसकी सुने पागल कितनी बुरी, कुछ भी नहीं ये अभी मैंने वीडियो बना ली ऐसे ये ऐसे जी सब कुछ ऐसे ही यहाँ बिखरा का बिखरा। मैंने आपको दिखाना था कि हमारी ड्रॉज में क्या क्या चीजें, पर शामी ने बीच में रोले डाल दिए। बताओ बाप के घुटने के साथ क्या हुआ था? ना लगा लेना कहीं, नहीं बंद करो। क्यों बंद करूं? मेरा सारी वीडियो खराब कर दिया, रो रो के। मुझे लग रहा था गाइस के सबर गाइस को मतलब गाइस मुझे लग रहा था कि मेरा बाजू ना आयरन मैन का बाजू, मेरा बाजू हल्का सा, उसको लगा उसका घुटना ही टेढ़ा हो गया। मतलब क्या ओवर एक्टिंग करती है शामी ने, आपको अवार्ड ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मामा उठो ना यार, मैंने जल्दी करो, मैंने दिखाना है। गच का गुंगटान चली तूता मटक मटक। गाइस क्या है हमारी स्ट्रॉस में, आखिर ऐसा क्या है जो ब्लर क्लियर नहीं हो रहा? आखिर इन डब्बों में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमने छुपा के रखी हुई, इस डब्बों में डालनी है, इन डब्बों में डालनी है, है ना? ना पीछे तो देखो। तो बस अभी ये देखते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम इस डब्बे से। ये हमारी आधी ज्वेलरी। अल्लाह फोन करने वाला कोई है नहीं, मुझे अकेली करनी पड़ेगी। ये है हमारी चेन, मैं आपको सब अभी ना खोल खोल के दिखाती हूँ। तो ये पकड़ो शामी। तो अच्छा हाँ, तो किधर रखी? चलो मैं इधर दिखाती हूँ गाइस। ये हमारी चेन है, खोल के दिखाओ, जरूरत है दिखाने की। तो ये चेन है, इनमें से अभी इधर करो, इनमें से अभी हमने से पता है क्या कलेक्ट करने, हमने अंगूठियाँ पीने और टॉप्स वगैरह, तो अच्छा ना निकाल रही हूँ, पीछे से बोली जा रही है गाइस। हमारी बीबी भी ना गाइस, मेरा एक कांटा था, पता नहीं अब इसका दूसरा हिस्सा किधर को चला गया, ऐसे करके पहनते हैं। शामी कितने प्यारे बड़े बड़े कांटे थे ना, और इसमें डाले। ये जो था ना शामी को गिफ्ट मिला था, ये कैसा लग रहा है, दिख रहा है? वो भी थंबनेल भी ले लिया, वो फोटो भी ले लिया, ठीक है। और हाँ, हमें एक और रिंग मिल गई, रिंग का डब्बा ये था ना, ये एक वन टंग। और ये क्या है, ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये भी शामी को मिला था। मैं तो चीजें कम छोड़े गई, मुझे नहीं आ रहा। और ये भी डाल दो शामी, डाल ही देती हूँ इसमें डालना। और क्या क्या इसमें, और ये जो था ना, ये भी शामी का ही है ना। हाँ ये भी बालों में लग, नहीं ये तो कान के है, कांटे हैं। और ये तो कांटे, अल्लाह इसका हल्के किया हुआ इसने। चल इसमें डाल देते, दफा करो इसको। तो मामा कह रहे इस डब्बे को फेंक दो, मामा कह रही इस डब्बे को फेंक दो, अभी फेंकने की जगह ही नहीं है इसमें। तो ये देखो कितना कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा ये अब ये आती है एक अदद एक्सटेंशन डंडना। रुक जा, लाई है मेरी माँ के गाने। तो गाइज ये मामा ने लगाई थी मेरी कजन की मेरे बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं आ रहा, मेरी कजन की शादी पे मामा ने ये लगाई, सॉरी ये लगाई थी। तो मामा बहुत ज्यादा ही ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटीफुल लग रही थी, तो इसको हम तरीके से यहाँ रख देते। उसके बाद आ गया हमारे पास हमारी पोटली में क्या, हमारे पास आ गया एलोवेरा का फेस मास्क आ गया, इसको हम रख देते हैं यहाँ। ये आदत आ गया, एक आदत आ गया शीशा, शीशे को खा रखो अभी, यहाँ रख देती हूँ। अच्छा दराज बेचारा हमारे दराज में रोल रहा है गाइस, इसमें कुछ है ये तो मुझे भी नहीं पता था क्या। एक अदद और रिंग मिल गई गाइस, ये मेरी छोटी सी ना बिंदिया माथे पे राखी, मेरी बड़ी वाली का पता नहीं तेरी कहाँ। और ये खोल रिंग मिल गई गाइस, ये पहले मैंने पाई लगी थी अपने पैरों में छिन पहनने के लिए, पर इसका ना हुक वो नहीं इसका है, तो पर दूसरा इसका पैर नहीं, ये मैं कभी ना कभी पहनूंगी इसको ना, मैं हम इधर रख देते ठीक है। तो ये पिन इधर डाल देते, और ये बिंदी का क्या करे, बिंदी को इसमें डाल दे। तो ये हो गया हमारा खाली, ये मेरी फेवरेट थी, ये देखे इसका बुरा हाल हो चुका है, इसको भी रख देते हैं। और ये देखे गाइस को दिख रहा है गाइस, ये मायन की फेवरेट मासोल आई थी, सर पे भी पहन सकते हैं ऐसे करके, कुछ भी नहीं लगा। तो
तो माहिम की फेवरेट मासू लेकर हाँ, मेरी फेवरेट मासू लेकर आई थी। और ये हम ये माहिम का पहला गिफ्ट मेरा पहला गिफ्ट गाइस ये बाबा ने दिया था। ये देख सकते हैं कितना कुछ ब्यूटीफुल है। याद है जब हम व्लॉग डाला था हमने कमर्शियल मार्केट से लेने गए थे। ये वो है पिंस। और ये एक देखा हो इधर ये। और ये देखे मैंने कान में ना ये पहना भाभी है ये वाला। ये मेरा ऊपर को चला गया। ये दोनों चीजें हैं तो ऊपर तो देखती नहीं हो। नहीं बस थोड़ी सी देर तो मेरा सर अब लाइट से दुख रहा है। मेरी बात सुन शामी ये टॉप तो ना लैदा करके डालू ना खराब हो जाएंगे। तो इसका क्या करूँ पूरे पैकेट का? पूरा पैकेट रख दे इसमें। पूरा पैकेट इसमें पूरा नहीं आएगा ना फिर। मामा ये जो हमने उधर से टॉप्स लिए थे इसको पैकेट से निकाल के रख दूं? वो पूरा नहीं आ रहा। तो गाइस फिर भी पूरा नहीं आएगा। नहीं ये निकाल के टॉप से लदा लदा करके। तो गाइस ये हम आपको निकाल के फिर मिलते हैं। बंद करो गाइस ये मैंने खाली करके देख सकते हैं। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिने मैंने डाल दी है। पिक्चर ले लो। ये मेरे साथ क्यों होता है? कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात। तो देख सकते हैं आप तो गाइज ये मैंने इसके ना डाल दी है। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे और इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। और अब हम इस डब्बे में देखते हैं इस डब्बे में क्या है। दिन आवाज निकाल लूंगा इसमें। मम्मा ने ना एक कसम से ये चीजें बना के बहुत रखी है पता है गाइज। वो जो पहले आई थिंक दिखाए थे ना वो शामी के कांटे थे और मेरे कांटे ये है जिसका दूसरा बाप मतलब कि दूसरा वो हिस्सा पता ही नहीं है किधर। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है। इसका मैंने एक दफा शादी में पहनते उसके बाद दूसरा इसका पता ये है। हाय अल्लाह गाइस हाय अल्लाह मैग्नेट से मेरे अल्लाह ये देख सकते हैं आप इधर चलो मैग्नेट से चिपक गए हैं। ये देख ले सबर गाइस मुझे थोड़ा सा वक्त दें मैं जरा ना इसको वो कर लूँ। गाइस एक ब्यूटीफुल सा डब्बा इसके अंदर भी हमारे पड़े हैं झुमके। झुमके बोलते हैं झुमका झुमका व्हाट झुमका टडर इसको भी हम डालते हैं। इसमें कसम था इसमें था ना झुमके इसमें थे हाँ डाल देते हैं बस। और ये कितनी ज़्यादा बालियाँ लाई सब कुछ पड़े बट इनका पीछे का हुक नहीं है तो ये देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें इसमें ना रहने दें पर मामा ने कहा सारे टॉप टॉप नहीं टॉप टॉप इसमें वो बाहर झुमके भी शामी नीचे में रहने देते हैं। ये बोले अच्छे से शुरू पर हमें एक साथ जब मिलते नहीं है ना कोई चीज़ पहनने के लिए निकाले तो मिलता नहीं। और ये पत्नी किस चीज़ का डब्बा पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास पड़ी है चूड़ियाँ जो हमने अभी कभी पहनी नहीं है क्योंकि पसंद ही नहीं इतना पहनना बस ये वो पड़ी हुई है। और क्या कहते हैं हमारे पास पंच एक रह गए ब्यूटी होंगे अंदर होंगे इससे ना आप अपना मेकअप करते हैं थोबड़े पे मेकअप हैं। गाइस ये मेरा डब्बा टूट चुका गिराए बगैर तो कोई काम नहीं कर सकती। कितना कुछ मैं आपको एक बार दिखा दूं कितना प्यारा प्यारा व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। तो ये देखें ये कितने तो आपको ये सब कुछ सही करके फिर मिलते हैं। हाँ, तो होप यू डू आपको पूरा व्लॉग तब मिलेगा जब आप कमेंट में बताएंगे ठीक है। तो बाय मतलब अभी बाय नहीं ऐड नहीं करूंगी बस ये सब कुछ ऐड करके आपको बाय।